लापता एसएमपी में होने वाला है एंड वॉर, और जो भी इस वॉर को जीतेगा उसको मिलेगा एंड ड्रैगन का अंडा। तो उससे मेरा क्या फायदा? तो इसमें मेरा फायदा ऐसा है कि जिसके पास भी ये एग हो वो किसी भी बैंड प्लेयर को वापस जिंदा कर सकता है, और सबसे ज्यादा बैन होने की चांसेस मेरी है। तो मेरे को ही वो चाहिए था, और मुझे पता था कि मैं इसको अकेले नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने बनाई अपनी एक गैंग। दोस्तों जो चड्डी गैंग है हम लोग, चड्डी गैंग मतलब जिनमें दम नहीं है, मैं लैपिस स्टीवी और दीप भाई, हमको भी जीतना है, हमको भी एक चाहिए। तो मेरे पास एक प्लान है, मतलब एक हम नहीं लेंगे लेकिन हमारा ही होगा, एक अपने घर में आएगा। इसके लिए हमको आरटीओ भाई की हेल्प लगेगी, आरटीओ या फिर सेनपाई स्पाइडर या फिर निज गेमर, तीनों में से किसी भी के भी साथ मिलके अपन चड्डी गैंग जीत सकते हैं। तीन मेन फाइटर्स है यार, आरटीओ सेनपाई और ये तीनों फाइट करेंगे पहले। तो मेरे को लगता है स्पाइडर और आरटीओ मिलके निज को पेल देंगे, और फिर बचते हैं तुम दोनों फाइट करोगे, तो तुम्हारा इसमें जीतने का 50% चांस है ऑनेस्टली। लेकिन हम लोग चड्डी गैंग की मुझे हेल्प चाहिए क्या? चड्डी गैंग क्या करेगी बताता हूँ, चड्डी गैंग कैन मेक यू विन द ड्रैगन एक। अगर क्योंकि देखो हमारे से किसी को लेने देना नहीं, हम ना किसी से फाइट करने वाले, हम भागने वाले हैं बस, ठीक है। लेकिन जब निज गेमर मर जाएगा, निज गेमर या फिर स्पाइडर पहले मर जाएगा, तो आपको जिंदा रहना है भाई, आप ही मर के चड्डी की जल्दी उतर जाएगी हमारी। अरे 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 टेंशन ना लो, बट मुझे आपको थोड़ा सा बैकअप जब जरूरत होगी आप मुझे देना। हाँ, बैकअप तो मिलते रहेगा पूरा टाइम, हमारा बस एक ही सपना है, एक को एक बार पकड़ना है हमको सबको। मैं चड्डी गैंग के आइडिया से रिलेट कर पाया। अरे भाई आइडिया तो सुन लो पहले, तो जब तुम दोनों बचोगे, फॉर एग्जाम्पल निज को मार, निज को मार दिया तुमने, अब तू और सेनपाई बचा है, तुम्हारा 50% चांस है। लेकिन वहाँ 100 कर सकते हैं कैसे? हम चड्डी गैंग के चार लोग तुझे को बैकअप देने को आएंगे। स्टीवी भी चड्डी गैंग में है क्या? स्टीवी हाँ, अभी लेना पड़ा उसको, सब डेस्परेट लोग जिनको कुछ नहीं आता वो सब चड्डी गैंग में, और हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चड्डी गैंग अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते, जैसे किडनैपिंग, चोरी, सब करते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, एवरीथिंग फॉर अ प्राइस। फिर सेनपाई और तेरी फाइट होगी, अगर चड्डी गैंग चार लोग अगर भिड़ेंगे, पांच लोग अगर एक बंदे भी भिड़ेंगे, वो क्लाउन पीस भी होगा तो पेल देंगे हम उसको। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। यार एक एक्सपर्ट सबको पढ़ाने की खत्म, अगर वो सब अपनी चड्डी गैंग भी मारी जाए फिर नहीं मरेगी चड्डी गैंग, हम है चड्डी गैंग, वी डोंट डाई। चड्डी सिर्फ फटती है, मरती नहीं है, फटने के बाद भी चलती है, इवन मैं भी अभी फटी हुई चड्डी यूज। सब कुछ सही चल रहा था हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, और हमारी चड्डी गैंग एकदम स्ट्रांग होते जा रही थी, लेकिन फिर हमको एक बहुत ही खतरनाक चीज मालूम पड़ती है। मैं निज गेमर की टीम में जाने वाला था पहले, बिकॉज मुकाबला जो था ना वो सारा आप लोगों की साइड हो गया था, फिर मुझे पता चला कि सेनपाई भी निज गेमर की टीम में आने वाले हैं। व्हाट भाई, सेनपाई भाई भी निज गेमर की टीम में, क्योंकि कुछ दिन पहले हम सब मिलके प्लानिंग कर रहे थे। फ्लैशबैक गाइस, क्यों ना हम सब लोग टीम अप कर ले एंड वॉर के लिए, मतलब हम लोग साथ में मिलके किसी को गिरा दे। चलो फिर ऐसा करते हैं, पहले निज गेमर को मार देते हैं। लैपिस भाई आप बता दो, आपको भी, आप भी आओगे ना साथ में? या भाई क्यों नहीं आऊंगा, निज गेमर मेरे को भी हाथ साफ करना है। ठीक है, और सेनपाई भाई आप आ रहे हो ना? हाँ ठीक है, मैं आ सकता हूँ, सब मिलके पेलते हैं निज भाई को। फिर हम सब लोग मिलके निज भाई को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज मुझे पता चला कि सब लोग उधर चले गए भाई, मतलब हम लोग अकेले पड़ गए, और सेनपाई ने हमको धोखा दे दिया है। पर उस समय मैं चड्डी गैंग की संगठना में इतना बिजी था कि मैंने जो आरटीओ भाई ने मेरे को इतना बड़ा सीक्रेट बताया वो मैंने ध्यान में ही नहीं लिया, और मैंने सोचा ही नहीं कि सेनपाई अपने टीम में से निकल चुका। फिर मैंने कहा मिस्टर लैपिस का क्या बनेगा, इस वजह से मैं काफी कंफ्यूज जा रहा था अभी तक। अब मुझे ये कंफर्म हो चुका है कि सब आपस में मिलकर लड़ने वाले हैं। पर हमको हमारी फीस लगेगी सर फॉर दिस सर्विस। अगर चड्डी गैंग में से कोई बैन होता है तो उस पे ड्रैगन एग यूज होना चाहिए, कोई पक्का यूज होगा, इस चीज की तो मैं ऐसे गारंटी लेता हूं। देखो दीपू भाई अभी बता दो हो या नहीं चड्डी गैंग में, क्योंकि देखो ये सेंस बहुत ज्यादा बना था, क्योंकि हम ही कमजोर लोग हैं, हमको ही जरूरत पड़ने वाली ड्रैगन एग की। अरे वाकई इसके भी पास हो, यूज अपन ही करेंगे। ऑफ कोर्स अभी मैं चड्डी पहन के वीडियो बना रहा हूं भाई। मेरी गैंग के मेंबर्स एक बात साफ साफ सुनो, आई नीड मैक्सिमम लॉयल्टी। अगर धोखा दिया किसी ने मिस्टर दीप हमारा शका पे जा रहा और पहले जाऊंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम दीपू भाई को स्पेशली क्यों बोल रहे थे, क्योंकि दीपू भाई थे निज भाई की टीम में, और हमको निज भाई पे बिल्कुल भरोसा नहीं, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, और वो धोखा दे सकते हैं मतलब उसका टीममेट भी धोखा दे सकता है। आपको सबको लगता होगा कि हम एक लकड़ी है, पर जब एक लड़की को ऐसे तोड़ सकते हो तुम? अरे लड़की को नहीं तोड़ सकते, लेकिन जब चार लकड़ियां एक साथ रहेंगी और इस तरह पावर ऑफ गर्ल्स का जन्म हुआ, उसे नहीं तोड़ सकते बॉयज। पावर लोगों ने मुझे खरीद लिया, चड्डी गैंग ने आरटीओ को खरीद लिया, उन्होंने मुझे दिया फुल चड्डी गैंग की सपोर्ट। और इसी तरह आरटीओ भाई ने हमारे पूरी प्लान की पुंगी बजा दी। भाई कौन बताता है अपोनेंट को, कौन प्लान बताता है अपना जो उसके साथ करने वाले थोड़े टाइम यार। लेकिन अब निज भाई को पता चल चुका था, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, निज भाई को एक ऑफर देना। निज गेमर आपके लिए हमारे पास एक प्रपोजल। बोलो। देखो तुम तीन लोग फाइट करने वाले, हाँ शायद आप आर
आरटीओ और सेनपाई। क्यों ना आप और आरटीओ मिलके पहले सेनपाई को पेल दे और फिर आपका 50-50 चांस है, वो आप देख लो। क्योंकि देखो थर्ड आने से अच्छा सेकंड आ जाओ, फर्स्ट तो नहीं आ सकते। और यहाँ पे चड्डी गैंग वाज फुली रेडी। गाइस गिव मी अ चीयर। चड्डी गैंग जोश होना चाहिए चड्डी गैंग के अंदर। चलो गाइस सब लोग आ गए, घुसते हैं। लेट्स स्टार्ट द एंड वॉर। हेलो हेलो सेनपाई, हाउ आर यू डूइंग? हेलो, अरे अमेजिंग दिस भाई। चड्डी गैंग है कौन वैसे, कौन कौन है उसमें? वो बाद में मालूम पड़ेगा। अभी अभी संगठन हुई है चड्डी गैंग की, जब हादसे होते हैं तभी सुपरमैन आता है। और इन दो प्लेयर्स के वजह से मैं और पीएसआई किसी एक प्लेयर की टीम में चले गए, क्योंकि टीम ऑब्वियसली पावरफुल हो जाएगी और वो किसी को भी मार सकते हैं पूरे में। चड्डी गैंग के प्लान क्यों बोल रहे हो? रैपिस भाई आप मुंह बंद रखा करो, चेन लगा लो उस पे, सबको प्लान बता रहे हो। चड्डी गैंग ने मुझे ऐसे अच्छा ऑफर दिया था उनको हायर करने के लिए। किसी को मुंह बंद रखना नहीं आता क्या इधर? सेनपाई भाई की है, इनकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। साला सब आगे बोल रहे है, लो 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 चालू तो होने दो यार, क्या बात कर रहे हैं। सभी लोग लेफ्ट राइट एंड सेंटर चड्डी गैंग के पूरे प्लान लीक कर रहे थे और इसी के कारण चड्डी गैंग वीक होते जा रही थी। जिसको भी चड्डी गैंग में अप्लाई करना है वो हमारा गूगल फॉर्म भर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पीएस भाई अगर आप पोर्टल पे हो तो अंदर आ जाओ। क्यों मरूंगा तो नहीं ना? नहीं 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 भाई, वो ट्रैप मैनुअल है ऑटोमेटिक। गाइस चड्डी गैंग सबसे पहला मेंबर गोइंग इनसाइड। हां आ रहा हूं मैं, ठीक है आ जाओ। तो सबसे पहले मैं एंड के अंदर घुस तो गया था, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं अंदर घुसा और ट्रैप एक्टिवेट नहीं हुआ। इसका मतलब ट्रैप इज नॉट ऑटोमेटिक, और ये निज भाई को पता चल गया तो वो लोग भी डायरेक्ट आ गए बिना अनाउंसमेंट करे, एंड के अंदर घुस गए भाई और भसड़ मच गई। गेमर द एंड, निज गेमर द एंड, क्या करना? Okay, it started. Lapis भाई आप सेफ हो? ए डोंट किल हिम, मैं आ रहा हूं सेनपाई भाई। Lapis भाई मैंने वर्ल्ड में छलांग मार दी। लाल तुम सेफ हो? अरे रुको भाई, सेनपाई भाई क्या कर रहे हो? मैंने गलती से वर्ल्ड में छलांग मार दी और मुझे लगा मैंने एंडरपल मार दिया, बट खत्म क्या मारता भाई। चड्डी गैंग के सारे सपने टूट गए भाई। निज भाई ने मुझे मार दिया, और ये सब होने के बाद मेरे दिमाग का फ्यूज फट गया भाई। और फिर मेरे को बाद में मालूम पड़ता है कि दीपू भाई इनफैक्ट हमको धोखा दे रहे थे, वो अभी भी निज भाई के साथ थे। यार ये क्या अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, मेरे को बस बुलाया था एंड के अंदर, मेरे को मालूम भी नहीं चालू होने वाला। अरे साला ये तो पार्टनर्स निकले भाई, आरटी भाई धोखा हुआ है हमारे साथ, चड्डी गैंग के साथ धोखा हुआ है। निज गेमर इज द बिगेस्ट धोखेबाज, उन्होंने चड्डी गैंग के साथ पंगा ले लिया, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बचेगा नहीं। और सेनपाई आई अश्योर यू निज गेमर तेरे को अब भी धोखा देगा, अब भी दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है वो। मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा हम लोग इसको 50-50 कर सकते हैं। एक मिनट आठ भाई, बट आपने कहा आपने पॉट्स मारे और आपने मुझे अटैक करना चालू कर दिया, एंड मैं वहां से आईडी लेके निकल सका। पीएसटी भाई आपका एक हर देने के लिए थैंक यू। ऐसे अरे कोई नहीं, रख ले भाई काम पड़ने वाला है तेरे को। अभी निज गेमर यहाँ पे देख पीलने को आ रहे हैं तेरे को।